तो सहवर्तियों ने, मेरे गुरु माँ के समस्त साध्वी जी भगवंतों ने, जिन्होंने अपने आचरण से कहो, अपने वचनों से कहो, एक ही बात की प्रतीत करवाई कि संयम जीवन लेने जैसा है। संयम जीवन आनंद की अनुभूति है, संयम जीवन मस्ती की अनुभूति है, संयम जीवन स्व को पाने का मार्ग है, तो संयम जीवन परमात्मा में डूब जाने का मार्ग है। इस अनुभूति को कराने के लिए मैं समस्त साध्वी जी भगवंतों को मैं कोटिश वंदन करती हूँ। तीसरा चौमासा पूज्य आचार्य भगवंत रत्न सुंदर मास के साथ हुआ, तो साहब तो खुद करुणा के भरे हुए इतने हैं कि जब तक वह जीवों की मैत्री की बात न करें तब तक शायद चैन नहीं पड़ता, और गुरु भगवंत की उन बातों से कहीं ना कहीं जीव मैत्री इस हद तक बढ़ी कि सतत लगता था नहीं, सर्व जीवों को अभयदान देना है, जल्दी से जल्दी इन जीवों को अभयदान देना है, इन्हें उन सुख का अनुभव करवाना है जिसकी वो हकदार है। इन समस्त समय में जो पुरुषार्थ का समय था वह ऐसा ही कायम रहा। 70 लोगस के कौशक के बाद 108 लोगस का कौशक चालू किया था, जब तक संयम ना मिले तब तक। उसके अलावा काफी चीजों का त्याग जीवन में आया। जब लगा कि प्रभु से प्रेम हो ही गया है तो प्रभु के नजरों में ही अगर खुद को देख सकते हैं तो खुद को देखने के लिए आईने की जरूरत नहीं। तो पिछले 2 साल से मैंने खुद को आईने में नहीं देखा, क्योंकि मैं खुद को परमात्मा की नजरों से देख ही लेती हूँ। मुझे आईने की जरूरत ही क्या है जब मुझे पता है कि वाव परमात्मा आपकी नजर में मेरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, आपकी अवस्था में मैं खुद को देख सकती हूँ, तो आपके इस प्रभाव को मैं अनुभव कर सकती हूँ, तो खुद को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सब चीज के दौरान बीज बोया गया, पानी का सिंचन हो कि किरणों की वह प्रभाव हो जिसने इसे वृक्ष बनाया होगा, पर इस बीज को उत्पन्न होने के लिए किसी वृक्ष की आवश्यकता थी। अगर वृक्ष ना होता तो उसमें से बीज ना निकलता, और बीज ना होता तो उसे कोई बो नहीं सकता था। वह बीज, वह वृक्ष कौन था जिसने यह बीज को पैदा किया? प्रथम जन्म देने वाली माता, दूसरा संस्कार देने वाला परिवार, और तीसरा धर्म के प्रति अहोभाव जगाने वाले मेरे भुआसा पिंकी बुआ। यह तीन वो वृक्ष हैं जिन्होंने इस बीज को पैदा किया था। जन्मदात्री माँ उनके उपकारों का वर्णन नहीं कर सकते, शब्दों की त्रुटि होगी। जन्म के समय की वेदना से पहले प्रति समय की जो वेदना होगी उस समय भी स्वस्थता रखते हैं, क्योंकि नहीं, मेरे बालक को दुख नहीं होना चाहिए। क्या खाना क्या पीना सब कुछ मेरी अनुकूलता के प्रमाण होता था, इतनी अनुकूलता कि अगर नींद में भी एक साइड से दूसरी साइड फिरना हो तो उसमें सावधानी रखी जाए। तो ऐसी माताओं का मैं ऋण चुकाऊं तो शब्दों से तो हो ही नहीं सकता, और कर्म से भी मुमकिन कैसे है। प्रभु से तो यही विनंती करूंगी कि जन्मदात्री माता अगर मेरे साथ इस पंथ पर जुड़ जाए तो कहीं उस ऋण को मैं चुका पाऊंगी, और लगेगा कि हे प्रभु, जन्म दिया जिस माता ने वही माता मेरी कल्याण मित्र बनकर मोक्ष के बीज का जन्म देने में निमित्त बन रही है। दूसरा होता है संस्कार देने वाला परिवार। संस्कार के बिना तो हर किसी चीज की कमी रहती है। जन्म तो हर कोई लेता है, पर संस्कार ना हो तो क्या। दादी माँ के संस्कार इतने अद्भुत थे कि उन्होंने कभी घर में कंदमूल लाए ही नहीं, तो ना ही मैंने कभी घर में आलू प्याज देखे हैं। उन्होंने जब अपने समय में भी सामयिक प्रतिक्रमण की चाह रखी तो हमने जन्म देते ही घर में कटाशना बैठका देखा है। हमारे घर कटाशना और बैठका संवत्सरी से संवत्सरी नहीं, दिन से रात निकलता था। रात को कटाशना बैठका, दिन में कटाशना बैठका, दोपहर को कटाशना बैठका, शाम को कटाशना बैठका।
जब संवत्सरी से संवत्सरी कटाशना बैठ का दिखता है तो उसकी यादें थोड़ी, उस चीज की महिमा थोड़ी फीकी पड़ जाती है। जब दिन भर दिखता है तो लगता है यह कोई चीज है, बहुत उपयोगी है, इसके बिना रह नहीं सकते। यह संस्कार लाने वाली दादी माँ को खूब खूब धन्यवाद। मेरे पिताश्री यहाँ नजर नहीं आ रहे शायद। ओके ऐसे बोलते ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है। ऐसे बोलते बेटियों से बहुत लगाव होता है, इन्हें भी सहज बहुत लगाव था। कोई भी चीज शेयर करनी हो, कुछ भी बताना हो तो सहज कह देते थे। अंकित को कोई चीज की परमिशन चाहिए होती थी ना, सोनो दीदी प्लीज पप्पा पूछने, सो थूपूसी तो हों को कही ला। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटिया अगर बोले ना एक दो बात, ऐसे होता हाँ चलो कोई बात नहीं, कर लो ये कर लो। पप्पा का इसके साथ साथ एक गुण और भी था, वह हमेशा अपने रोल्स को डिफ्रेंशिएट करते थे। ऑफिस के गुस्से को घर में नहीं लाते थे, घर के तनाव को ऑफिस में लेके नहीं जाते थे। उससे क्या होता था, कितने भी स्ट्रेस्ड आउट हो घर पे जब आते थे तब सबसे हंसी खेल हंसी से बात करते थे, आराम से खाना खाते थे और शांति से रहते थे। और घर पे कुछ भी हो जाए ऑफिस में चले जाए तो ऑफिस का काम करते थे। इस चीज से आत्मा और शरीर के जो भेद करने का जो दृष्टि सहज रूप से मिलती थी। यह शरीर के लिए उचित है या आत्मा के लिए उचित है, यह तो मैंने पापा जी से घर में पहले से देखा हुआ है। तो उस दृष्टि को जगाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, सहज से आ गई थी। छाछा छाछी भुआ भरोसा, नाना नानी मामा मामी मासी मासा, भाई बहन, इन सब नामों में लगता है सब अलग अलग है पर सब अपनी जगह माता पिता का कर्तव्य निभाते हैं। क्योंकि आपको अगर एक भी चीज की हित शिक्षा दे या एक भी चीज सिखाए, कोई मेरे बचपन में कोई ऐसा था जो मुझे लेकर रात रात भर बैठता था तो उन्होंने माता का कर्तव्य मेरे लिए निभाया है। कोई ऐसा था जो मेरे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड लेने आता था तो मेरी बुक्स लेने आता था तो उन्होंने पिता का कर्तव्य निभाया है। और कोई ऐसा था जब थके हुए घर आओ तो हंसी मजाक कर कर मूड चीयर करता था तो उन्होंने भाई बहन का कर्तव्य निभाया है। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, अब मेरी बारी है अपना कर्तव्य निभाने की। आपने जो उपकार की है मेरे ऊपर उनका मैं शायद इन कुछ समय में वर्णन नहीं कर पाऊंगी। अगर वर्णन करने बैठी तो यह रात ढल जाएगी पर स्पीच अंत नहीं आएगी। एक ही चीज कहूंगी, आपने इतने उपकार किए हैं, एक और उपकार करना, कल इस बेटी को विदाई ऐसी देना कि वह कभी भी किसी के आंगन की दासी कोई भी भव में ना बने। जब भी जन्म हो तो मनुष्य गति मिले और जब भी मनुष्य गति मिले तो 8 वर्ष की उम्र में प्रभु का वह शासन मिले, 8 वर्ष की उम्र में चंदन बाला का पाठ मिले और 8 वर्ष की उम्र में कर्मी भंति का अधिकार मिले। आपने इतने उपकार किए हैं, एक और उपकार करना, आंसू इसलिए मत बहाना क्योंकि मैं छोड़ जा रही हूँ, हर्ष की आंसू इसलिए बहाना कि मैं इतना कुछ पा जा रही हूँ जिसे आप भी पा सकते हो। आंसू इसलिए मत बहाना कि मैं घर लौट नहीं आऊंगी, आंसू इसलिए बहाना हर्ष के कि यह भव भ्रमण में लौटने का मौका नहीं मिलेगा, आंसू इसलिए मत बहाना क्योंकि शरीर से संबंध टूटने वाला है, मोह का बंधन छूटने वाला है, आंसू हर्ष के इसलिए बहाना जब तक मोक्ष न होगा तब तक हम सबका कल्याण मित्र का संबंध जुड़ने वाला है, सबका कल्याण मित्र का संबंध जुड़ने वाला है। इस भव में मैं अकेली इस पंथ पे चली जा रही हूँ, परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगी, महाविद्य क्षेत्र में हमारा जन्म हो, सब एक साथ प्रभु की देशना सुने और प्रथम देशना में यह आज जो परिवार कहा गया है उस दिन साधु स्वाधीवी भगवान परमात्मा से वासक्षेप ग्रहण करें।
प्रभु से वह अधिकार ग्रहण करे कि मोक्ष की साधना पर तत्पर हो सके। आज के यह मोह के संबंध कल के कल्याण मित्र की डोर में बन जाए, इतनी आशीष जरूर बहाना। और देरी तो अब भी नहीं, रात भर में अगर विचार हो जाए मेरे साथ चलना है तो ऑलवेज वेलकम। और रात भर कम पड़े तो 10 साल 20 साल जब भी आना हो, एक मेरी इच्छा है मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इस वेश में मृत्यु ना पाए। मृत्यु के समय उनके हाथ में रजोहरण हो, उनके स्मरण में नवकार महामंत्र हो, उनके हृदय में प्रभु का शासन हो और उनके नीचे कोई हॉस्पिटल का बिस्तर नहीं, परमात्मा का वह संथारा हो। आपको मरण के समय परमात्मा का वह वेश मिले, इतनी ही मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। आज जो वैराग्य को मैंने अनुभव किया वही वैराग्य की पुष्टि अब सबके भावों में आ जाए, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। उपकार परिवार का भुलाया नहीं जा सकता, उपकार स्वजनों का छोड़ा नहीं जा सकता। छोड़ते हैं तो माया और ममता छोड़ जाते हैं, उपकारों के ऋण को तो हम सतत साथ ले चलते हैं। छोड़ते हैं तो आपके साथ जो शरीर के कारण खून का संबंध है वो छोड़ जाते हैं, पर आपके दिए हुए संस्कारों को तो रोम रोम में बसा के चलते हैं। छोड़ते हैं तो एकमात्र कर्म राजा की हुई उस माया को छोड़ने वाले हैं, पर परमात्मा ने बताए हुए उस मैत्री भाव को तो सतत जोड़ने वाले हैं, सतत जोड़ने वाले हैं। ऐसी कई बातें होगी जो शायद कवर नहीं हुई होगी। मेरे मौरत के पश्चात की कुछ बातें करना चाहती हूँ। 16 अक्टूबर 2014 जब मुझे आचार्य भगवान श्री अभिषेका सुरेश्वर जी महाराज साहब ने मुझे अनुमति दी कि इस दिन 24 अप्रैल की इस मंगल घड़ी में वैशाख शुद्ध छठ की वह प्रभात ऐसी होगी जो जीवन में सर्ववीरति का सूर्योदय लाएगा, उस दिन मन हर्षित होकर नाच उठा। जब पता चला कि वीरति का वह वेश मिलने वाला है, उसके 4 दिन पहले मैं एवं मेरी कुछ मुमुक्षु सहेलियां औरंगाबाद के संखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के मंडप में इतने नाचे थे कि मुझे लग रहा था कि इस नाच को देखकर शायद प्रभु को लगेगा कि अभी इस जीव को संसार में नहीं नचाना है। जब भी नाचे तो परमात्मा के लिए नाचे, और जब भी नाचे तो एकमात्र रजोहरण लेने के लिए नाचे, पर संसार में कभी नाच न करना पड़े। ऐसे आशीष प्रभु के बरसाए गए थे। मौरत के पश्चात कल्याणक भूमियों की यात्रा करने का सौभाग्य मिला। मुन भाग्यशाली श्री प्रवीण भाई डोंबिवली के हैं, उन्होंने अकेले ने 84 मुमुक्षों को कल्याणक भूमियों की यात्रा करवाई थी। हम संघ में सिर्फ 84 मुमुक्षु थे और कोई नहीं था, यानी 22 दिन के संघ में सिर्फ 84 मुमुक्षु और वो एक संभालने वाले। आप मानोगे नहीं, उन 22 दिन में हमारा एक भी टाइम का प्रतिक्रमण छूटा नहीं, एक भी टाइम हमें भूखा नहीं रहना पड़ा, एक भी समय की आराधना से वंचित नहीं रहे। देवंदन हो, पोदशमी हो के पांचम हो, हर कई ना कहीं क्रिया करने का हमें सद्भाग्य मिला। अगर पता हो कि आगे की जर्नी 10 घंटे की है, बस में प्रतिक्रमण पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएगा, एक जगह रुकते थे 6:30-7 बजे प्रतिक्रमण करते थे, जहाँ रुके हैं वहाँ पे कोई तीर्थ है तो आरती भक्ति करके फिर रात भर जर्नी करते थे, पर परमात्मा की आवश्यक क्रिया में नो कॉम्प्रोमाइज। परमात्मा के उन आवश्यक क्रिया में कॉम्प्रोमाइज कैसे पॉसिबल हो सकता है? बात नहीं मानोगे, 84 मुमुक्षु सब में प्रभु के प्रति एक ही चीज, वाओ मेरे परमात्मा, परमात्मा की कल्याणक भूमि, यहाँ पे प्रभु का जन्म हुआ था, अरे प्रभु यहाँ बालक बन के खेल रहे होंगे,
अरे प्रभु ने यहाँ रजोहरण लिया होगा, अरे देवता ने यहाँ पर आकर प्रभु से वर्षीदान दिलाया होगा। यह बात, यह भावना उस भूमि के परमाणु एक्सीलेंट, ऐसा लगता है वाओ आज भी प्रभु शाश्वत है वहां पे। ऐसा लगता है प्रभु सिद्धशिला से नीचे बरस रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि नहीं परमात्मा है, हमारे साथ ही है प्रभु ने। आज भी अगर आप कहीं जाओ ना, आपके बेटे या बेटी का जन्म हो तो आप बोलते हैं अन हॉस्पिटल में जन्म हुआ तो हाँ अतः यू हुआ था, और वो घोड़ियों है और वो रालको है, आपको वो चीज़ें याद रहती है। हमें परमात्मा से इतनी प्रीत थी कि हमें कहते थे यह परमात्मा की कल्याणक भूमि है, यह उनका जन्म स्थान है, यह उनका निर्वाण स्थान है। इतना आनंद होता था, वाव परमात्मा के उन साक्षात परमाणुओं को अनुभव करने का मौका मिल रहा है। और सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक की वो अखंड भक्ति जो चलती थी, खाना पीना सब सहज भूल जाते थे। 9 बजे प्रवीण भाई आते थे, अरे नवकारसी करो ब्याशने का समय हो गया। 10 नवकारसी कैसी होती थी, दूध आया, खाकर आया, मग आई, उठो फटाफट, पक्षाल का समय हो गया, चलो उठो। नहीं, इस स्थान पे आकर खाने पीने का विचार मूर्खता कहलाएगी। और परमात्मा भक्ति जो होती थी, कोई भीड़ भाड़ नहीं, यानी हम 84 तो है ही, उसमें कोई बीच से नहीं जाता था, पूरी क्रिया सामूहिक होती थी। मंदिर जी में प्रवेश करते थे निसी ही सामूहिक बोलते थे, और मंदिर जी से बाहर आते थे तब अवश्य ही सामूहिक बोलते थे। मंदिर जी में जब एक व्यक्ति पक्षाल कर रहा है तब बाकी के 83 प्लस प्रवीण अंकल हम 84 ढोल, शंखनाद, घंट, थाली, बाकी वाजंत्रों के साथ परमात्मा के पक्षाल को देवलोक के जैसा माहौल बनाकर निरखते थे। और जब एक एक पूजा करते थे तब उनको उनके भावों को देखकर उनके भावों में झूम जाते थे। ऐसी भक्ति करने का जो उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं उसकी खूब खूब आभारी हूँ, क्योंकि यह प्रभु भक्ति है जो संयम के लिए भाता है। एमपी बिहार की वन भूमियों की स्पर्शना दीक्षा के बाद संभव नहीं, क्योंकि वहाँ पर साधु साधी भवन का विचरण बहुत कठिन है। मैं तो यही प्रेरणा करूंगी कि अगर आपने प्रभु की कल्याणक भूमियों की यात्रा नहीं की है तो सीरियसली करने जैसी है। आपको जब पता चलेगा कि यहाँ पर परमात्मा थे, उस भूमि पर बैठकर अगर एक बार आंख बंद करके सोचोगे ना, ऐसा ऐसा उस काल में ए हुआ था, ए हुआ था, ए हुआ था, हर्ष से आपकी आंखें भी गीली हो जाएगी, आनंद से आपका मन भी नाचने लगेगा।